नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ सिमरन जी हैं जो बचपन से जानती हैं इस डेरा सच्चा सौदा संस्था को। आज हम आपको सीधी खबरें डेरा सच्चा सौदा के अंदर से दिखा रहे हैं। सिमरन जी से भी बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा संस्था के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिंसा के बारे में। सिमरन जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आप बचपन से जानती हैं मैम डेरा सच्चा सौदा। हाँ जी, कैसा माहौल लगता है आपको आश्रम का? बहुत वधिया माहौल है जी। इतों का असं शुरू तो आने हैं, मतलब कि पिती ने बहुत वधिया शिक्षा देंगे, साडे बच्चे भी हुण आ रहे हैं। सानू कोई मतलब कि गलत नहीं लगता, कुछ असं कदे गलत भी देखिया नहीं गा, ना सुनिया ना देखिया गा। जिहड़े भी इंजाम पिती ते लगे आ, सारे झूठे हैगे, बेबुनियाद है। लड़कियों की सुरक्षा कैसी रहती है आश्रम में? लड़कियों की सुरक्षा बहुत बढ़िया रहती है, कभी भी ऐसा नहीं लगा? नहीं, कभी भी नहीं लगा। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिंसा का नेचर स्वभाव कैसा है? बहुत वधिया, बहुत वधिया, मतलब कि वो बहुत वधिया समझाउंदे आ, जिवें नशे छड़ाउण वास्ते ते लड़कियां नू हमेशा अग्गे रखदे आ। मतलब कि वो कहिंदे भी लड़का लड़की च कोई फर्क नहीं करना चाहीदा, अज कल लड़कियां तो लड़कियां अग्गे चल रहियां ने। व्यवहार किवें दा करदे आ? मतलब व्यवहार बहुत वधिया जी, मतलब कि वो सारिआं नू इक्को जिहा समझदे आ। ऊंच नीच कोई जात कुछ भी नहीं हैगा, जात मजहब इक्को जी इक थां जगह ते बिठाउंदे आ। मैम फिर जो आरोप लगाए गए संत जी के ऊपर, उसके बारे में क्या कहना है? आरोप सारे गलत है जी। जिवें हुण डेरा सच्चा सौदा तरक्की करी जांदा सीगा, लोकां नू एवें हो गया भी तरक्की क्यों कर रहा डेरा सच्चा सौदा, नशे क्यों छड रहे लोग, ठीक है ना। जिवें मतलब कि बेशिया वरता चल रही सी, वह क्यों छड़ा रहे हैगे, इस करके पिताई ते आरोप लगाए। वो सारे झूठे आरोप है, जिहड़े भी आरोप पिताई ते लगाए वो सब झूठे हैगे, बेबुनियाद हैगे, इहदे च साजिश है कोई। मैम मीडिया में भी कवरेज काफ़ी दिखाई जा रही थी, आए दिन ऐसी खबरें आ रही थी, उन खबरों के बारे में क्या कहना चाहते हो आप? वो सब बकवास है, ऐसा नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। गुफा में गए हो कभी? हाँ जी, हम तो बहुत बार गए, हमें मेरी तो पक्की सेवा लगी हुई थी, जहाँ पर समान समिति में पक्की सेवा थी, हम तो 15 दिन जाते थे। तो गुफा ऐसा हमने कभी कुछ भी नहीं देखा, वो सभी को अपना बच्चा समझते हैं, इंजाम लगाती है ना लड़कियों के साथ, ये गलत किया वह गलत किया। हमने कभी कुछ भी नहीं देखा, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सब कुछ है वो झूठा है। मैम इस तरीके से क्यों किया गया, मतलब संत डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिंसा के साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने नाल बहुत ज़्यादा संगत जुड़ चुकी थी, तो लोगों को जलसी हो गई भी इन्नी संगत क्यों जुड़ गई, करोड़ों के हिसाब न संगत जुड़ी सी, इस करके उन्होंने कुछ ना कुछ तो इंजाम लगाना ही सीगा। मैम फिर एक्चुअली सच क्या है, मतलब असल में सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिंसा ने समाज के लिए लोगों के लिए क्या काम किया? उन्होंने बहुत वधिया काम करे है, सच यही है, मतलब कि उन्होंने झूठा इंजाम लगाया गया, सारे इल्जाम बेबुनियाद है। सच्चा सौदा नाम है इतों का, सब कुछ सच है, इतने जिहड़ा भी कुछ हैगा सारा कुछ सच बोलिया जाता, सच ही सुनाया जाता। क्या आज आपको लगता है भी संत डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिंसा की समाज को ज़रूरत है? हाँ जी हैगी है, बहुत बहुत ज़्यादा हैगी है उन्होंने जरूरत। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से संत जी की? मैं उन्होंने एवं कहना चाहूँगी भी जेडे भी इल्जाम लगाए है संत डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जी, तो वो सारे हटाए जाण, तो उन्होंने मतलब कि वापस डेरे भेजा जाए जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वो लेडीज हैं जो बचपन से आ रही हैं डेरा सच्चा सौदा संस्था में, जो अपील कर रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा था, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम आरोप इनका मानना है कि झूठे हैं। संत डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिंसा एक ऐसे संत हैं जिन्होंने बेटियों के लिए सबसे ज्यादा काम किए हैं। आप लोग सोचिए, एक तरफ चंद लोग, एक तरफ एक गुमनाम पत्र, एक तरफ ये करोड़ों लोग, और खासकर वो लड़कियां जो बचपन से आ रही हैं, वो चीख चीख कर बता रही हैं कि सब झूठ फैलाएगा। आप भी सोचिएगा जरूर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।